हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विनायक तिंगलो आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलो में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी, कई बार आपका कुछ ऐसा डेटा होता है जो प्राइवेसी कंसर्न की वजह से आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब है, जैसे आप आधार कार्ड को ले लीजिए, जब आप उसे डाउनलोड करते हैं तो उसमें दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, एक रेगुलर आधार का, एक मास्क्ड आधार का। अगर आप रेगुलर को डाउनलोड करते हैं तो आपको सारे डिजिट्स दिख जाते हैं, जितने भी डिजिट्स आपके आधार नंबर के होते हैं। सिमिलरली अगर आप मास्क आधार लेते हैं तो उसमें आपको आपके डिजिट्स जो होते हैं वो कुछ दिखते हैं और कुछ में आपको एस्ट्रिक का साइन मिलता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्राइवेसी कंसर्न की वजह से लीकेज ना हो, मतलब आपका जो डेटा है वो लीक ना हो, किसी गलत हाथों में ना आ जाए, तो उस ऐसे केसेस में हम अपने उस डेटा को हाइड करते हैं आधे को, और आधे को इसलिए रखते हैं सो दैट कि उससे उस पर्टिकुलर इंसान को ये चीज़ का पता चल जाए कि हाँ, मैंने जो चीज़ वहाँ पे जब दी थी अप्लाई करते वक्त या किसी भी चीज़ के वक्त दिया था उस पर मैंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया था। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, आप इजीली समझ जाएंगे। इसके लिए आप सिंपली एक एम एस एक्सेल की शीट पर जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा मैंने इसमें एक एग्जाम्पल ले रखा है, जिसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, आईडी नंबर और सेल नंबर लिया हुआ है। सेल नंबर की जगह पे आपका पीआईडी नंबर भी हो सकता है, जिसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है। आपका कोई व्हीकल की डिटेल हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, आपका पैन नंबर, या कुछ भी जो जिस भी स्ट्रीम में आप काम करते हैं उसके रेलिवेंट जो भी आपकी कोई ऐसी चीज़ होगी, ऐसी आइडेंटिटी होगी, या कोई कुछ भी जो आप हाइड करना चाहते हैं, वो आप चाहते हैं कि सिर्फ एम्प्लॉई को। जस्ट लाइक मैं अपना मोबाइल नंबर कहीं पे अपडेट कराता हूँ तो मुझे लास्ट के डिजिट्स दिखाए जाते हैं। जैसे ईमेल आईडी में कभी बोलते हैं कि वेरीफाई करने के लिए आप मुझे बताएं आपके मोबाइल के लास्ट के 3 डिजिट्स ये हैं, क्या आपके पास वो अभी है, सो दैट कि हम वेरीफाई कर सकें। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर इस चीज़ को उसी तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से अगर इसको आधे को हाइड कर देंगे तो कैसे करेंगे, इसी बेस पे मेरी वीडियो है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे करेंगे। ऐसे तो तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं आपके साथ एक तरीका शेयर करूँगा। इसमें हमें सिंपली क्या काम करना है, मैं इक्वल टू का यूज़ करूँगा, फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, लेफ्ट टैप ही को हिट करूँगा। देखिए टेक्स्ट मांग रहा है, टेक्स्ट में मैं इसी टेक्स्ट को लूँगा, कॉमा का यूज़ करूँगा, कितने डिजिट्स लेफ्ट साइड से मुझे शो होने चाहिए। जस्ट लाइक मैं लिख देता हूँ 3, मेरे को 3 डिजिट्स दिखने चाहिए। मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एम्परसेंट का यूज़ करता हूँ, क्योंकि अब आगे जो ट्रिक है जो वो हम आगे यूज़ करेंगे, इतना तो नॉर्मली कोई भी कर लेता है। इसके बाद हम कोट्स का यूज़ करेंगे, इसमें एस्ट्रिक को देंगे। एस्ट्रिक को कितनी बार देंगे, अगर मैं लेफ्ट से 3 ले रहा हूँ तो राइट से भी 3 को लूँगा, और जो मिडिल का होगा तो अगर 3 लेफ्ट से ले रहा हूँ, 3 राइट से ले रहा हूँ, दैट मीन्स मैं 6 ले रहा हूँ। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है तो एस्ट्रिक में 4 बार लूँगा, 1, 2, 3 एंड 4। कोट्स को क्लोज करूँगा, फिर से एम्परसेंट दूंगा। अब इधर मैं राइट का फॉर्मूला लूँगा, RIGST, ओके। टैप को हिट करूँगा, टेक्स्ट इसी को लूँगा, कॉमा का यूज़ करूँगा। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं लेफ्ट से भी 3 लूँगा तो राइट से भी 3 लूँगा, क्लोज करता हूँ और एंटर की को हिट करता हूँ। तो आप देखिए उसी प्रॉपर तरीके से मुझे ये मिल चुका है, जिससे मुझे थोड़ा गैस तो मिल जाता है, थोड़ा क्या, काफ़ी गैस मिल जाता है कि मेरा सेल नंबर कौन सा है जो मैंने उस टाइम अप्लाई करते वक्त यहाँ पे अपडेट कराया था। सिंपली इसको यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर का स्क्वायर जैसा साइन दिख रहा है, जो जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे अपने माउस के लेफ्ट बटन से। ख्याल रखिएगा तो ये जितने भी आपके होंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको 1 कर देता हूँ तो वहाँ भी अपडेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यही बार बार कॉपी हो रहा है, मैंने सेम नंबर लिखा था तभी इधर सेम आ रहा है। अगर आपका ये नंबर चेंज होंगे, जस्ट लाइक 9, 8, 7, 5, 6, 4 कुछ भी दे रहा हूँ मैं, ये देखिए अब यही आ जाएगा जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता है कि आप इसको कॉपी कर लेंगे। मैं लास्ट टाइम भी आपसे कह चुका हूँ, जब भी आप कोई फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो आपको उसको सबसे पहले कॉपी करके उसको वैल्यूज़ पे कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले को कॉपी यहाँ करोगे तो ये सब वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जैसे लाइक ये है ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, डेटा की सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सारे को, जिसके लिए मैंने शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो को क्लिक किया था, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसी पे क्लिक करके, ये ऑप्शन आपको मिल रहा होगा वैल्यूज़ का, आप इस पे क्लिक कर देंगे, ये वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो चुका है। वैल्यूज़ में दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉपी करने के बाद आप इसके नीचे पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन जो आता है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे वैल्यूज़ का ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ पे भी मिलता है, वो जो मैंने किया था वो इंस्टेंट तरीका था, लेंथी प्रोसेस में आप ऐसे कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, ये वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसमें सब कुछ भी डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए आप सिंपली इसे कॉपी कर दी, कॉपी नहीं कट कर लीजिए, कट करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप अपने किसी भी डेटा को इसी पैटर्न में आप उसको एक प्राइवेसी दे सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।